नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजार का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजार का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज साल 2022 के पहले सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार के दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आया है। आपको बता दें कि लेकिन कमोडिटी बाजार की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ओमिक्रॉन के बीच एक और मुसीबत सामने आ गई है जिसका नाम है फ्लोरोना। फ्लोरोना का पहला केस इसराइल में देखने को मिल चुका है। ये कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू भी कहा जाता है उसका डबल इन्फेक्शन है, यानी कि ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसराइल में पहला केस इसका देखने को मिल चुका है और इसराइल में अब इसको देखते हुए जो सावधानियाँ हैं वो ज़्यादा और सख्ती से बढ़ती जा रही हैं। वहाँ पर बूस्टर डोजेज लगाए जा रहे हैं वैक्सीन के, और जो वैक्सीनेशन है की जो प्रक्रिया है उसको भी तेज़ कर दिया गया है। तो इसराइल में फ्लोरोना से बचने के लिए जो सावधानियां हैं वो काफ़ी सख्ती से बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि भारत में भी कोरोना के जो और ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं उनमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ये अमेरिका के अंदर भी देखने को मिल चुका है, चाइना और ब्रिटेन में हम पहले ही देख चुके हैं। लेकिन इसी बीच अगर आपको ये भी डर सता रहा है कि लॉकडाउन लग जाएगा और आपकी दुकान का क्या होगा, आप अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे, तो इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप। माई बिग ब्लिस ऐप के ज़रिए आप घर बैठे बैठे भी अपनी दुकान ऑनलाइन चला सकते हैं, चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे। और इससे आप अपनी दुकान चलाने के साथ साथ अपनी ग्राहकी यानी अपनी सेल भी बढ़ा सकते हैं। करना छोटा सा ये काम होगा, सबसे पहले आपको फ़ोन उठाना है और माई बिग ब्लिस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस पर अपनी दुकान रजिस्टर कर लेनी है, अपनी स्टोर बना लेना है। स्टोर बनाने के बाद जब आपका स्टोर लाइव हो जाएगा आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि आप कोई दुकानदार हैं या व्यापारी हैं तभी आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या एम्प्लॉई हैं और अपनी इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, अपना नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो भी आप इस ऐप के ज़रिए अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपको किसी तरह का कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करना होगा। छोटा सा काम ये करना है, अपना स्टोर बना लेना है बस इस ऐप पर। जो भी सामान आप बेचना चाह रहे हैं उसके प्रोडक्ट्स चढ़ाने हैं और अपना स्टोर का नाम आप जो भी रखना चाह रहे हैं वो। तो ऐसे करके आप घर बैठे बैठे फ़ायदा भी उठा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और सावधान भी रहेंगे, अच्छे स्वस्थ भी रहेंगे। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के कमोडिटी बाजार के अपडेट की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने और चांदी से। तो हम देख रहे हैं कि आज सोना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1826 पर ट्रेड कर रहा है और चांदी $23.2 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है, आधे फीसदी की गिरावट के साथ। हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आज लाल निशान पर ट्रेड किया जा रहा है, लेकिन जो लेवल्स हैं वो पहले से कुछ सुधरे हुए मिले हैं। रूपा जी ने जो हमने पैदाया था बीते कारोबारी सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन कि गोल्ड $1780 से $1820 की रेंज में रहेगी, उसी रेंज में हमने देखा $1820, हालांकि आज ऊपर उठता हुआ नज़र आया है लेकिन लाल निशान पर है। देख रहे हैं कि सिल्वर भी $23 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। दरअसल US ट्रेजरी यील्ड्स में जो हल्की गिरावट आई है उसकी वजह से हमने देखा है कि सोने चांदी की कीमतों में आज यहाँ पर हल्की बढ़त देखने को मिली है। सोने चांदी के जो लेवल्स हैं वो कुछ उठते नज़र आए हैं। तो आज सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा, सोने चांदी की कीमत आगे बढ़ेंगी या घटेंगी, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, नए साल का पहला कारोबारी सप्ताह का पहला कारोबारी दिन है, देख रहे हैं कि सोने चांदी में जो लेवल्स थे उनमें बढ़त देखने को मिली है। आपने रेंज बताई थी $1780 से $1820 की, उस रेंज में ही हमने ट्रेड होते हुए भी देखा, आपने जो लेवल्स दिए थे वो अचीव भी होते नजर आए। आज देख रहे हैं कि $1820 के ऊपर निकला है सोना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, हालांकि लाल निशान पर ही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या एक रेंज में रहेगा या फिर यहां से उठता हुआ नजर आएगा? देखिए, फिलहाल सोना एक सीमित दायरे में ही है और अभी आप देखिए आज इंटरनेशनल मार्केट्स में भी $1820 के ऊपर निकला जरूर है, लेकिन अभी डोमेस्टिक मार्केट में देखा जाए तो बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट आई नहीं है, तो बाजार अभी साइडवेज मोमेंटम में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सोने की जो अभी यहाँ से रेंज बनती दिखाई दे रही है वो अभी भी फिलहाल 1780 से लेकर 1830 से मैक्सिमम $1840 तक ऊपर अपसाइड हो सकता है, और वहीं डोमेस्टिक मार्केट में देखा जाए तो 48,200 तक की
रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आज इंट्राडे में बाजार जो है एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है, 47,950 से लेकर 48,100 की रेंज फिलहाल आज इंट्राडे में बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी सर, जी बात करेंगे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं बढ़त ही देखने को मिल रही है। WTI देखने $75 पर है पौने एक फीसदी की तेजी के साथ, ब्रांड क्रूड ऑयल भी $78 पर है पौने एक फीसदी की तेजी के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि अमेरिका में जो इन्वेंट्रीज जो पहले कम बताई जा रही थी अब उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कच्चे तेल पर असर पड़ना चाहिए था, लेकिन आज देख रहे हैं कि हरे निशान पर ही ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 4 जनवरी को यानी कल को ओपेक की बैठक है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में जो तेजी बनी हुई है उसके पीछे के कारण क्या क्या है, और आज इंट्राडे में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए अभी बाजारों के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है और डिमांड फैक्टर हावी है और सप्लाई अभी भी कम है, इस वजह से कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है। और अभी जो ओमिक्रॉन के इंपैक्ट की वजह से जैसा माना जा रहा था कि डिमांड के ऊपर असर आता हुआ दिखाई दे सकता है, फिलहाल वो स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए यहाँ से कच्चा तेल एक बार बाउंस बैक लेता हुआ दिखाई दे रहा है और बाजार अपसाइड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से डोमेस्टिक मार्केट में देखा जाए तो 5660 से 5680 तक आज की इंट्राडे की रेंज फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी कि अभी थोड़ा सा 20 से 40 पॉइंट का एक अपसाइड मोमेंटम आज इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी बात करेंगे बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आप हमें जो पॉजिटिव ही रही है, आपने हमेशा ही कहा है कि बेस मेटल्स में लंबी अवधि में तेजी का ही रुझान है। हम देख रहे हैं कि 2022 में बेस मेटल्स काफी शानदार परफॉर्म करता नजर आ रहे हैं। MCX जिंक, MCX निकल, लेड तीनों ही हरे निशान पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉपर तेजी की ओर निकली है, आपको क्या लगता है सप्लाई और डिमांड कंसर्न्स के मद्देनजर आगे बेस मेटल्स में क्या कीमतें रह सकती हैं? देखिए बेस मेटल में फिलहाल पॉजिटिव ही रुझान है और अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है। आज भी आप देखिए बाजार जो है सुस्त है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। अब देखा जाए तो कॉपर 748 के आसपास ही ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, जबकि निकल अपनी रेंज ब्रेक कर चुका है, 1560 के ऊपर है। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि निकल एक बार 1580 के पास जाकर सस्टेन कर सकता है। तो फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है बेस मेटल्स के अंदर भी, तो मुझे लगता है कि निकल और कॉपर दोनों ही एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिखा सकते हैं और इसी के साथ एल्युमिनियम में भी आगे चलकर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी इसी रूपा जी बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 3.7 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, 1% की गिरावट है। रूपा जी देखते हैं कि विंटर सीजन में जो डिमांड है नेचुरल गैस की वो बढ़ जाती है, लेकिन आज देख रहे हैं कि लाल निशान पर ट्रेड करती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है नेचुरल गैस में आगे कैसे रुझान रह सकता है? देखिए नेचुरल गैस में डाउनसाइड का ही अभी आगे चलकर जो है वो देखने को मिल सकता है ट्रेंड, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नेचुरल गैस में तेजी नहीं लगती है। डिप की बात करें तो 260 से 240 और ऊपर में मैक्सिमम अपसाइड पकड़ता है तो 320 तक की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, इससे ज्यादा फिलहाल बाजार अपसाइड में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी रूपा जी नॉन एग्री कमोडिटीज में आज टॉपिक्स करेंगे आपकी तरफ से? देखिए मुझे लगता है कि आज नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज भी बेस मेटल्स में ही बाइंग की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि सोना चांदी काफी सुस्त है। और वहीं कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में छोटी सी रैली अभी देखने को मिल सकती है और अपसाइड की, लेकिन कभी भी करेक्शन आ सकता है, तो इसीलिए कच्चे तेल से थोड़ा सा दूरी बनाए इन लेवल्स पर। इंट्राडे में चाहे तो बाय करके चल सकते हैं 40 से 60 पॉइंट की तेजी के लिए, अदरवाइज बेस मेटल काफी सेफर साइड लग रहा है, मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में बाइंग करके चलना चाहिए। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।